दोस्तों कहानी शुरू होती है कुछ मजदूरों से। वे अपनी मजदूरी का पैसा लेने के लिए आवाज उठाते हैं। जिम फोलन एक चेक लेकर आता है और कहता है, ये रहा तुम्हारा पैसा। उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये कागज का टुकड़ा लेकर हम क्या करेंगे, हमें पैसा चाहिए रोकड़ा। जिम कहता है, ठीक है दोस्तों, जैसी आप लोगों की मर्जी। जिम वो चेक फ्रैंकी को दे देता है और कहता है, ये चेक बैंक लेकर जाओ और बैंक से कैश लेकर आओ। तभी वहां दो व्यक्ति आते हैं और जिम पर बंदूक तान देते हैं। जिम उनके पास आकर उनके साथ लड़ने लगता है। तभी यूकोन नाम का एक व्यक्ति उनमें से एक व्यक्ति को गोली मार देता है। फिर जिम उन सभी व्यक्तियों को कहता है, अगर मुझे गोली लग जाती तो आप लोगों को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आप लोग मुझे चाहते हैं, और अब मैं आप लोगों के साथ कैलिफोर्निया की जमीन भी बराबरी में बांटना चाहता हूँ। कैलिफोर्निया का एक एक पेड़ हमारे ऑफिस के बराबर है, इतने ऊंचे कि आसमान भी नहीं दिखता। आप लोग इस बिजनेस में माहिर लोग हैं, इसलिए आप मेरी टीम हो, और इसीलिए मैं तुम्हें अपने साथ कैलिफोर्निया ले जाना चाहता हूँ, और हर एक का हिस्सा होगा $100 मिलियन। वे सभी खुश हो जाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। फ्रैंकी भी वो चेक फाड़ देता है। उन दो व्यक्तियों में से एक व्यक्ति कहता है, जिम मेरा पैसा, पर जिम उसको एक मार देता है और वो बेहोश हो जाता है। जिम यूकोन को एक रुमाल देता है और कहता है, इसे गीला कर लाओ। जिम उसे उठाता है और कहता है, एम सॉरी, आज का ड्रामा बहुत बढ़िया रहा, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो गया। और जिम कुछ पैसे उसकी शर्ट के अंदर छिपा देता है और वो रुमाल उसके मुंह पर बगाकर वहां से चला जाता है। जिम यूकोन को अपने साथ काम पर रख लेता है और कहता है, तुम कैलिफोर्निया मुझसे पहले पहुँच जाओ। एक लकड़ी का व्यापारी बनकर यूकोन कैलिफोर्निया पहुंच जाता है और जिम भी कैलिफोर्निया आ जाता है। वहीं पर खड़ी एक महिला, उसका नाम एलिसिया होता है, वो यूकोन के पास जाने की कोशिश करती है, पर वहां पर कीचड़ भरा रहता है। जिम एलिसिया के पास जाता है और कहता है, 50 पैसे में मैं तुम्हें उस पार ले जाऊंगा मैम, और जिम एलिसिया को उठाकर दूसरी तरफ छोड़ देता है। एलिसिया जिम को 50 पैसे दे देती है। एलिसिया यूकोन को कहती है, जिम कहाँ है, मुझे उनका शुक्रिया अदा करना है हमारी जमीन बचाने के लिए। जिम कहता है, जिम बहुत अच्छे आदमी है मैम। एलिसिया कहती है, मिस्टर पहले आप तमीज सीख कर आइए। यूकोन कहता है, यही तो है मिस्टर जिम। जिम कहता है, मिलकर खुशी हुई। यूकोन जिम को कहता है, देखिए जिम, ये लोग बहुत अच्छे हैं, ये पेड़ों के लिए अपना सब कुछ लुटा सकते हैं, पर अगर इन्हें कुछ करना ही होगा तो ये आपके लिए प्रार्थना कर सकते हैं। एलिसिया कहती है, मैं चाहती हूँ आप मेरे पिता से मिले, क्यों ना आज रात का खाना आप हमारे साथ खाए। मिस्टर यूकोन के साथ चले आइएगा और वहाँ पेड़ भी देख लीजिएगा। फिर एलिसिया वहाँ से चली जाती है। जिम और यूकोन पेड़ देखने आ जाते हैं। जिम एक पेड़ की मोटाई नापने लगता है। यूकोन कहता है, वो विधवा एलिसिया किसी भी कीमत पर इन पेड़ों को काटने नहीं देगी। जिम कहता है, वो विधवा है तो उसका पति क्या चीज था। यूकोन कहता है, वो एक पर्यावरणवादी था, 3 साल पहले इन्हीं पेड़ों की सुरक्षा में वो अपनी जान गंवा बैठा। तभी एलिसिया भी वहां आ जाती है और उन्हें अपने घर ले जाती है और उन्हें अपनी फैमिली से मिलवाती है। फिर वे सभी घर के अंदर आ जाते हैं और खाना खाने से पहले प्रार्थना करते हैं। फिर जिम और यूकोन अपने घर आ जाते हैं। यूकोन कहता है, देखो जिम, तुम इन लोगों का कभी भी भरोसा मत तोड़ना। जिम कहता है, जानते हो इन पेड़ों से हमें कितनी लकड़ी मिल सकती है, मैं ये हजारों एकड़ जमीन ऐसे ही छोड़कर कंगाल नहीं होना चाहता। यूकोन कहता है, देखो जिम, तुम गलत रास्ते पर हो, तुम्हारे अंदर कुछ है और बाहर कुछ। यूकोन वहां से जाने लगता है पर जिम उसे रोकता है, पर फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं। यूकोन जिम को एक मार देता है। जिम कहता है, मैं उन्हें जमीन के पैसे दे दूंगा। जिम और एलिसिया दोनों पेड़ों को देखते रहते हैं। एलिसिया जिम को कहती है, ये विशाल सुंदरता आपसे कुछ नहीं कहती। जिम कहता है, विश्व निर्माण से ही मनुष्य सौंदर्य का दीवाना है, सौंदर्य ही मनुष्य को प्रेरणा देता है, इसलिए उसने युद्ध किए, जमीन कमाई। इंसान ने जो भी किया सौंदर्य पाने के लिए ही किया, सुंदरी का सौंदर्य।
यही तो कातिल अदा है जिसने हमें मार डाला। जिम के मजदूर जहाज से आ जाते हैं और ऑफिस में जाने लगते हैं। एलेशिया उन्हें देख लेती है। जिम कहता है, मेरे पास पैसा है और मैं इसी वक्त एप्लीकेशन फाइल करना चाहता हूँ। यूकोन कहता है, जिम तुम बड़े पेड़ नहीं काटोगे। जिम कहता है, मैं यहाँ उन बड़े पेड़ों के लिए ही आया हूँ। एलेशिया कहती है, वो तुम्हें नहीं मिलेंगे, हमने तुम पर भरोसा किया पर अब हम तुम्हें जान गए हैं। ईश्वर की मदद से हम तुम्हें किसी भी तरह रोक लेंगे। और इतना कहकर एलेशिया वहां से चली जाती है। यूकोन कहता है, तुम अपनी जबान से मुकर रहे हो जिम। जिम उसके हाथ में से गन गेर देता है। फिर वे दोनों लड़ने लगते हैं। जिम यूकोन को एक मार देता है और उसका सिर कांच के शीशे में जाकर लगता है। फिर यूकोन वहां से चला जाता है। फ्रेंकी कहता है, जिम अब जाकर तुमने सही डिसीजन लिया। जिम को गुस्सा आया रहता है और जिम फ्रेंकी को भी धक्का दे देता है। फ्रेंकी के पास एक व्यक्ति आता है, उसका नाम ग्रेग होता है। वो कहता है, मैं अपने साथियों से कभी इस तरह पेश नहीं आता, कभी वक्त निकालो मेरे साथ ड्रिंक करने के लिए। फ्रेंकी कहता है, यही सही वक्त है। एलेशिया और बहुत सारे लोग पेड़ों के नीचे बैठकर प्रार्थना करते रहते हैं। यूकोन भी वहां आ जाता है। एलेशिया केलर के ऑफिस आती है, वो अकाउंटेंट होता है। एलेशिया कहती है, ये मेरे पिताजी का लेटर है, वो चाहते हैं इसकी एक कॉपी जिम के हर एप्लीकेशन के साथ वाशिंगटन भेजी जाए। केलर कहता है, देर हो गई है और ये बहुत कॉपी है। एलेशिया कहती है, मैं ये काम कर लूंगी, आप घर चले जाइए। केलर वहां से चला जाता है। फिर यूकोन कुछ खाना लेकर आता है और उसके साथ कुत्ते होते हैं। वहां बिल्ली बैठी रहती है और वे कुत्ते उस बिल्ली पर झपट पड़ते हैं और वहां आग लग जाती है, पर वे उस आग को बुझा नहीं पाते और ऑफिस से बाहर निकल जाते हैं। वहां पर काफी आदमी इकट्ठा हो जाते हैं और जिम भी ऑफिस को जलता हुआ देखता रहता है। कुछ लोग छोटे पेड़ काटने लगते हैं ताकि वे उन्हें बेचकर कुछ पैसे इकट्ठा करके जमीन और उन बड़े पेड़ों को बचा सके। जिम से उसके मजदूर पैसे मांगते हैं। जिम उन्हें एक चेक देने की कोशिश करता है पर उनमें से एक व्यक्ति कहता है, ये पैंतरे नहीं चलेंगे। जिम कहता है, ठीक है, मुझे बैंक में मिलो। फ्रेंकी ग्रेग को कहता है, अब जिम हमारे जाल में आएगा, वो लोगों को पैसे देने जा रहा है और उसे पैसों की जरूरत है। फ्रेंकी और ग्रेग जिम के पास कुछ कागज लेकर आ जाते हैं। जिम कहता है, इनमें लिखा है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो फोलन कंपनी तुम दोनों की हो जाएगी। जिम उन कागज पर साइन कर देता है क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होती है। जिम अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आता है, उसका नाम डेजी होता है। वे घर के अंदर आ जाते हैं। जिम कहता है, डेजी हम अमीर होंगे, बस यहाँ पर साइन कर दो। डेजी साइन कर देती है। वे कागज एक पुल के होते हैं, यानी एक ब्रिज के होते हैं। अब उन कागज पर डेजी ने साइन कर दिए हैं, तो उस पुल पर अब डेजी का अधिकार हो गया है। जिम एक व्यक्ति को कहता है, इनकी नोटरी कर दो। फ्रेंकी ग्रेग को कहता है, ये क्या हो रहा है, पिछले हफ्ते तो यहाँ पुल नहीं था। ग्रेग कहता है, हाँ इतना तैयार तो नहीं था, पर इसका फाउंडेशन जिम ने आते ही डाल दिया था। जिम भी वहाँ आ जाता है और कहता है, कोई भी मेरी इजाजत के बगैर लकड़ी नदी के उस पार नहीं ले जा सकता। ग्रेग जिम को गन दिखाता है। जिम कहता है, अगर मुझे कुछ हो गया तो इस पुल से एक भी लकड़ी बाहर नहीं जा सकती। जज एलेशिया और उसके साथियों को कहता है, इस पुल के मालिक की इजाजत के बगैर एक भी लकड़ी का टुकड़ा बाहर नहीं जा सकता। मालिक एक महिला है, डेजी। जिम भी वहां आ जाता है और कहता है, थैंक यू जज ये बात सबको बताने के लिए। जिम जज को एक लेटर देता है। जज उस लेटर को पढ़ता है। ये सरकार का आदेश है कि आज के बाद यहाँ की जमीनों का मालिकाना हक जिम और उसकी कंपनी का है। एलेशिया कहती है, अब हम लकड़ी नहीं काट सकते। जज कहता है, बिल्कुल नहीं। जिम एलेशिया को कहता है, देखा आप लोग भी मेरे साथ पैसा बना सकते थे। एलेशिया कहती है, पैसे के सिवा तुमने और कोई शब्द सीखा भी है। फिर एलेशिया वहां से चली जाती है।
फ्रेंकी कुछ लोगों पर पेड़ कटवाता रहता है। जिम भी वहां आ जाता है और कहता है, क्या दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, ये पेड़ काटोगे तो सीधा घर पर गिरेगा। एलिसिया भी वहां आ जाती है। जिम एलिसिया को कहता है, सॉरी पर तुम्हारा घर टूट सकता है। एलिसिया कहती है, मेरे पिताजी घर में है। जिम उसके पिताजी को बचाने के लिए जाता है पर वो पेड़ गिरने लगता है। जिम अपनी जान बचाने के लिए वहां से हट जाता है और वो पेड़ गिर जाता है। फिर जिम एलिसिया के पिताजी को ढूंढता है और उसका हाथ पकड़कर देखता है तो वो मर चुका होता है। जिम को कुछ आदमी पकड़कर जेल में ले जाने लगते हैं क्योंकि उसी के आदमियों के पेड़ काटने की वजह से एलिसिया के पिताजी की मौत हुई है। जज एलिसिया को कहता है, जिम को फांसी हो जाएगी, उस पर मर्डर का केस है। एलिसिया कहती है, ये सच नहीं है, वो मेरे पिताजी को चाहता था, उसने उन्हें बचाने की भी कोशिश की थी, मैंने देखा था, आपने भी तो देखा था। जज कहता है, लेकिन कंपनी की ओर से तो जिम्मेदारी उसी की है, उसके अपने ही आदमी उसकी खिलाफत कर रहे हैं। एलिसिया कहती है, मैं जमानत दूंगी उसकी। जज उन लोगों को कहता है, जिम को छोड़ दो। जिम एलिसिया को कहता है, थैंक्स। फिर जिम फ्रेंकी के पीछे भागने लगता है और उन दोनों में लड़ाई बच जाती है। जिम फ्रेंकी को पुल से नीचे गिर देता है। जिम और यूकोन आ रहे होते हैं पर फ्रेंकी उन पर गोली चला देता है और गोली यूकोन को लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। फिर वे उसे दफना देते हैं। एलिसिया कहती है, तुम किसी को प्यार नहीं कर सकते, वो समझ गया था, तुम्हें बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। जिम कहता है, उसे अपना ख्याल रखना चाहिए था। एलिसिया कहती है, मेरे पिताजी ने मुझे बचपन से सिखाया था कि भगवान की बनाई हुई हर चीज के अंदर अच्छाई छिपी हुई होती है, पर अब इस बात में मुझे शक है, तुम्हारे अंदर अच्छाई का कोई भी अंश नहीं। डेजी वहां से जाने के लिए अपना सामान पैक करवाती रहती है। डेजी जिम को कहती है, मैंने पुल के राइट फ्रेंकी को $25,000 में बेच दिए। जिम कहता है, डेजी मजाक मत करो। डेजी कहती है, वो प्रॉपर्टी मेरी थी, आखिर मैं कब तक तुम्हारे भरोसे रहती। जिम कहता है, मैंने तुम्हारा भरोसा कब तोड़ा। डेजी कहती है, तुमने भरोसा तोड़ा नहीं मगर रखा भी कब था, और ये समझने में मुझे 10 साल लगे, कितने कमीनों के बिस्तर गर्म करने पड़े मुझे, पर मैंने सीख लिया। हे भगवान, कैसे सीखा मैंने, तुम पर बर्बाद हुए वक्त का ये $25,000 मुआवजा है, आखिरकार मुझे अपना हिस्सा मिल ही गया। जिम कहता है, अच्छी चाल रही डेजी, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे अच्छा सबक सिखाया, गुड लक डेजी, मन मैला ना करना। और फिर जिम वहां से चला जाता है। जिम एलिसिया और उसके साथियों के पास आ जाता है। जिम कहता है, फ्रेंकी ने ये पुल खरीद लिया है, आपकी लकड़ी वो नदी के पार नहीं जाने देगा। वहीं खड़ा हुआ एक व्यक्ति कहता है, हमें नदी पर दूसरा पुल बनाना पड़ेगा हमारी लकड़ी पार करने के लिए। जिम कहता है, हम लोग ये काम कर सकते हैं, ये पैसे जज ने दिए हैं, अपने लोगों में बांट दो और जोश में काम करेंगे। एलिसिया कहती है, बहुत अच्छे इंसान है जज, और आपकी मदद का शुक्रिया। जिम कहता है, ये बात अपने में रखो और मेरी अच्छाइयों को गिनती जाओ। वे काफी हद तक पुल बना देते हैं। फ्रेंकी और ग्रेग पुल के नीचे की सपोर्ट की लकड़ी काटने लगते हैं, पर एलिसिया का एक आदमी उन्हें देख लेता है, पर फ्रेंकी उसको गोली मार देता है। एलिसिया एक ट्रेन के डिब्बे में बैठी हुई एक लेटर लिखती रहती है। ग्रेग उसी ट्रेन के डिब्बे का दरवाजा बंद कर देता है और फ्रेंकी ट्रेन को चला देता है ताकि ट्रेन के वजन की वजह से पुल गिर जाए। एलिसिया दरवाजा खोलने की कोशिश करती है पर दरवाजा नहीं खुलता, पर वो व्यक्ति जिसको फ्रेंकी ने गोली मारी थी वो गिरता पड़ता हुआ जिम के पास आ जाता है और उसे सारी बातें बता देता है। जिम एलिसिया को बचाने के लिए दौड़कर जाता है और ट्रेन में रखी एक लकड़ी के ऊपर कूद जाता है। जिम फिर आराम आराम से एलिसिया के डिब्बे के पास आ जाता है और ट्रेन का लकड़ी वाला हिस्सा अलग कर देता है और ट्रेन को रोकने लगता है।
और ट्रेन के लकड़ी वाले हिस्से से पुल गिर जाता है और वो ट्रेन का डिब्बा भी पुल से नीचे गिरने वाला होता है। पर जिम उसे रोक देता है और जिम दरवाजा खोलकर एलिसिया को उठाकर ले आता है। जिम को बहुत गुस्सा आया रहता है। जिम और उसके साथी फ्रैंकी के पुल को उड़ाने के लिए उसमें डायनामाइट लगा देते हैं। जिम डायनामाइट में आग लगा देता है और वहां से जाने लगता है, पर फ्रैंकी भी वहां आ जाता है और उन दोनों में लड़ाई बच जाती है। पर जिम फ्रैंकी को ऊपर से नीचे पानी में गिर देता है और वहां से एलिसिया और अपने साथियों के पास आ जाता है और वे एक पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। डायनामाइट फट जाता है और वो पुल टूटकर नदी में बह जाता है और फिर वे सभी अपने अपने घर चले जाते हैं और यहीं पर कहानी ख़त्म हो जाती है दोस्तों।